जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर नई एक आधार से रिलेटेड और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज हम जानकारी देंगे, बात करेंगे कि आधार का जो फिंगर लॉक हो जाता है उसके हम उसको हम अनलॉक या लॉक कैसे करें। सबसे पहले UIDAI का वेबसाइट को हम खोलेंगे, जैसे कि हमारा ये जो पहला लिंक है UIDAI की वेबसाइट है, इसको हम लॉगिन खोलते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारा कुछ डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देगा। तो जो मेरा आधार है UIDAI के बारे में है, इकोसिस्टम के बारे में, मीडिया संसाधन है, तो इस मेरा आधार को खोल लेंगे। इसमें नामांकन केंद्र का पता लगाएं, इसमें से कोई एक इस पर चले जाएंगे। तीसरे के नंबर का जो है आधार सेवाओं का लाभ उठाएं, इसमें बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक करने पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इसी बोर्ड पर चले जाएंगे। देखिए कोई किसी और वेबसाइट पर जाने के लिए बोल रहा है, तो जैसे ही इस वेबसाइट पर आप आएंगे या मेरे आधार पर भी क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट होकर के चले जाएंगे। जो मेरा आधार का पहला ऑप्शन था उसे क्लिक करेंगे तो इसी जाएंगे। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन इसी करेंगे तो देखिए लिखा है लॉक अनलॉक माई आधार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कुछ इंडिकेशन दिया गया, कुछ गाइडलाइंस दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो इसमें आप दो तरीके से दो ऑप्शन है, चाहे तो आप आधार को अपने लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। लॉक या अनलॉक करने के लिए आपके पास वर्चुअल आईडी होना ज़रूरी है, आधार नंबर से आपका लॉक या अनलॉक नहीं होगा। आधार के जो आधार नंबर होता है उसके नीचे वर्चुअल आईडी होती है, उससे आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो हम किसी बंदे का वर्चुअल आईडी पड़ा हुआ है तो हम आपको ला के अनला करके दिखाते हैं। कैप्चा थोड़ा गलती हो गया, फिर से कैप्चा फिल करते हैं। जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे फिर सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी चला जाएगा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा, और नीचे जो चेक मार्क इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा अनलॉक हो जाएगा। देखिए आप लिखा है एड्रेस दैट आफ्टर अनलॉकिंग माई आधार, तो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को हम फिल कर देते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है ओटीपी आने में, तो ओटीपी मिल गया, हम इसको फिल करके सबमिट कर देते हैं। चेक मार्क पर क्लिक करेंगे फिर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे देखिए कुछ मैसेज देगा, थोड़ा ऊपर साइड में देखेंगे, देखिए मैसेज दिखा रहा है कि इतना नंबर ऑलरेडी अनलॉकेड, यानी इस तरह से आप आसानी से अपना आधार का जो फिंगर होता है उसको ला के अनलॉक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह की मज़ेदार जानकारी पूरी वीडियो के साथ एक और नई वीडियो में।